बाइडीज में सबका वेलकम है। आज की कहानी एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है, जिसमें एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एक रिच आदमी की बीवी को ढूंढने के लिए न्यू मैक्सिको स्टेट में जाता है और वहां पर उसका पाला वहां की एक गैंग से पड़ता है और उसके बाद वहां पर उसकी सारी की सारी जिंदगी ही पलट जाती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मूवी का नाम है डेड फॉर डॉलर, जो कि अभी अभी रिलीज हुई है। आईएमडी रेटिंग है इसकी 8.3। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रिजनर को दिखाया जाता है जिसका नाम जो कैरिबियन है। उसके पास एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मिलने आता है जिसका नाम है मैक्स बोरलैंड। नाम थोड़ा अजीब है इसलिए मैं इस बंदे का नाम मैक्स लूंगा। जो कैरिबियन उससे कहता है कि तूने मुझे पकड़कर अच्छा नहीं किया है, एक बार मुझे बाहर आने दे फिर तेरे को देखूंगा। मैक्स उससे कहता है कि चल जब बाहर आएगा तब देखूंगा तेरे को भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कैरिबियन जेल से रिहा हो जाता है, उसकी सजा अब खत्म हो चुकी है। मैक्स बोलैंड को अपने पास एक रिच आदमी बुलाता है जिसका नाम मार्टिन किड है। उसने मैक्स को अपने पास इसलिए बुलाया था क्योंकि उसकी बीवी एक सोल्जर के साथ भाग गई थी और वो उसे वापस पाना चाहता था, इसलिए वो मैक्स को हायर करता है ताकि वो मेक्सिको जाए और उसकी बीवी को वहां से लेकर आए। मैक्स पैसे के लिए मान जाता है। मार्टिन किड उससे कहता है कि उसके साथ एक बंदा जाएगा। यह बंदा कोई और नहीं बल्कि आर्मी का सोल्जर होता है जिसका नाम पो होता है। मैक्स और पो अपना सफर शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर तक चलने के बाद ये दोनों यहाँ पर रुकने का डिसाइड करते और कुछ रेस्ट करने के बाद ये अपने अगले सफर पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम उस रिच आदमी की बीवी को देखते हैं जिसका नाम रिचल किड है और वो यहाँ पर एक जैक नाम के बंदे के घर पर रह रही है और जिस सोल्जर के साथ वो भागी थी उसका नाम इलाइजा है। ये दोनों यहाँ पर काफी दिनों से छुपे हुए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इलाइजा मिस किड को काफी ज्यादा पसंद करता है। अब शाम का समय होता है और इनके पास एक बंदा मिलने आता है जो और कोई नहीं यहाँ की लोकल गैंग के हेड टिवेरियो का आदमी होता है। वो यहाँ पर इनसे कोई सौदा करने के लिए आया था और ये इलाइजा के साथ एक सौदा भी करता है। अब जो यहाँ के घर का मालिक है जिसका नाम जैक है, वो कहता है कि ए भाई मेरे को भी इस सौदे में हिस्सा चाहिए और वो मिस किड को भी काफी गालियां देता है जिससे मिस किड को काफी गुस्सा आता है और वो उसे एक तमाचा मारती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक जगह पर जहां पर मैक्स और पो ठहरे हुए थे वहां पर उनकी तरफ कुछ घुड़सवार आ रहे। पहले तो इन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन है। ये अपनी बंदूक की पोजीशन लेकर उनके आने का इंतजार करते हैं। जब ये बंदे यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं यहाँ की लोकल गैंग का हेड टिबेरियो है और साथ में उसके आदमी हैं। ये लोग समझते हैं कि मैक्स और पो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आए हैं और टिबेरियो मैक्स से कहता है कि अगर उसे यहाँ पर सोना मिलेगा तो उसका आधा हिस्सा उसे देना पड़ेगा, नहीं तो वो इन लोगों को मार देगा। टिबेरियो कहता है कि भाई जिस जगह पर तू खड़ा है वो मेरी जगह है और अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो सोने में आधा हिस्सा तो देना पड़ेगा। मैक्स उससे कहता है कि चल सोचेंगे, जब सोना मिलेगा तब सोचूंगा और बताऊंगा तुझे। इसके बाद टिबेरियो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मैक्स और पो अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद पो को आर्मी के घोड़े दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि हो ना हो ये लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं। अब ये दोनों चुपके से जाते हैं और घर में घुस जाते हैं और वहां पर इन लोगों को इलाइजा और मिस किड मिल जाते हैं। मैक्स और पो इन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर इन लोगों की गन्स लेकर वहां पर टेबल पर रख देते हैं और इन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इलाइजा को यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उसने मिस किड को भगाया था। यहां पर हमें पता चलता है कि इलाइजा और पो पहले से एक दूसरे को जानते हैं और वो चड्डी बड्डी हैं। उन दोनों ने साथ में आर्मी की सर्विस की हुई थी। मैक्स और पो इन दोनों को लेकर अगले शहर की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि ये कुछ देर यहाँ पर आराम कर सके। मैक्स और पो इलाइजा को वहां की लोकल पुलिस के हवाले कर देते हैं ताकि वो भाग न सके और उसे वहां की जेल में कैद कर दिया जाता है। मिस किड को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो मैक्स पर काफी गुस्सा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैक्स कहता है कि वो सिर्फ ऐसे काम पैसों के लिए करता है। मैक्स पो से कहता है कि वो मार्टिन किड को टेलीग्राम कर दे ताकि वो यहाँ आ जाए और अपनी बीबी को अपने साथ ले जाए। मैक्स बोलैंड
मिस किड के रेस्ट करने के लिए वहां पर एक होटल में रूम लेकर देता है और वहां पर साथ में अपने लिए भी एक रूम लेता है ताकि वो रेस्ट कर सके। अगले सीन में हम जो कैरिबियन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहां पर कार्ड खेल रहा था। उसके पास एक इंग्लिश मैन आता है जो कि तवेरियो के पास यहां पर एक सौदा लेकर आया और वो तवेरियो के पास रह रहा था। वो इंग्लिश मैन कार्ड्स खेलने के लिए जो को फोर्स करता है और जो इतना तगड़ा कार्ड प्लेयर था कि वो इंग्लिश मैन को हरा देता है, जिसके बाद इंग्लिश मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो और वो वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जो के पास वो इंग्लिश मैन दोबारा से वापस आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कैरिबियन बड़ा तगड़ा फाइटर होता है वो एकदम से अपनी बंदूक निकालता है और उसको गोली मार देता है और वो इंग्लिश मैन वहीं पर मर जाता है। जो के पास तवेरियो का एक आदमी मिलने के लिए आता है क्योंकि तवेरियो उससे काफी गुस्सा होता है, उसने उसके एक बिजनेस साथी को मार दिया था। वो बंदा जो से कहता है कि अगर वो तवेरियो के लिए काम करेगा तब तवेरियो उसे जिंदा छोड़ेगा, नहीं तो वो उसको मार देगा और इस काम के लिए उसको काफी पैसे भी मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस किड होटल में पियानो बजा रही थी और वहां पर मैक्स भी आ जाता है। मैक्स उसका गाना सुनकर काफी आकर्षित होता है। इसके बाद मिस किड अपनी सारी बात मैक्स को बताती है कि कैसे मार्टिन किड ने उसके साथ जाती की, उसने उसको काफी सताया था जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो गई थी। मार्टिन किड उसके साथ ढंग से नहीं रहता था और उसके बाहर भी काफी ज्यादा अफेयर थे जिसके कारण वो काफी दुखी हो गई थी और वो मैक्स को बताती है कि उसने काफी ज्यादा गलत किया जो उसे वो यहाँ पर लेकर आ गया। इसके बाद मैक्स को भी काफी ज्यादा पछतावा होता है कि वो पैसों के लिए गलत काम कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह ही तवेरियो की गैंग यहाँ पर पहुंच जाती है क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि मैक्स और पो यहाँ पर सोना खोजने नहीं बल्कि एक लेडी को यहाँ से ले जाने के लिए आए थे। मैक्स पो से कहता है कि वो इनको संभाले और वो अंदर जाके कुछ शराब पिएगा। जो तवेरियो का मेन बंदा है वो अंदर जाता है और वो मैक्स से बात करता है कि उसने यह अच्छा नहीं किया, अब उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए नहीं तो तवेरियो उसे मार देगा। मैक्स कहता है कि वो उससे नहीं डरता, तवेरियो जो कुछ कर सकता है वो कर ले। मैक्स कहता है कि मेरे पास यूनाइटेड स्टेट के लॉ की पावर है और तवेरियो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ पो की तवेरियो के एक बंदे के साथ फाइट हो जाती है और पो उस बंदे को बुरी तरह से फाइट में हरा देता है, जिसके बाद वो बंदा काफी इंसल्ट फील करता है और तवेरियो की गैंग वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस किड जब होटल में वापस जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैम मैक्स बोलैंड ने आपके लिए एक तोहफा छोड़ा है। और वो जब वो उस डिब्बे को खोलती है तो देखती है कि उसमें उसकी गन और एलाइजा की गन रखी होती है और वो समझ जाती है कि मैक्स अब उनका साथ देगा। जो एक बार में दारू पी रहा था तभी उसके पास तवेरियो आता है और वो उसे कुछ बात करता है। तवेरियो उसके साथ एक सौदा करता है कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो वो फायदे में रहेगा, नहीं तो वो उसको मार देगा क्योंकि उसने उसके एक साथी को मारा था। जो तवेरियो डरता तो नहीं था, लेकिन जब तवेरियो उसको बताता है कि उसे उसके लिए मैक्स बोलैंड को मारना है तो वो मान जाता है क्योंकि मैक्स उसका पहले से दुश्मन था। जो अब अपने सफर पर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो उस शहर में पहुंच जाता है जहां पर मैक्स और पो रुके हुए हैं। जो पूरे शहर में अनाउंसमेंट करवा देता है कि मैक्स जहां भी है उसको कहो कि मेरा सामना करे। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि जो नाम का एक खतरनाक बंदा शहर में आया हुआ है। मैक्स और पो रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं कि जो उन्हें ढूंढ रहा है और जो उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है जहां पर मैक्स उसे देखकर काफी सरप्राइज होता है। जो कहता है कि देख अब मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं। मैक्स कहता है कि तुम ट्राई करके देख लो। जैसे ही वो फायर करने की कोशिश करता है वो उसके ऊपर गन तान देता है और पीछे से मिस किड भी आ जाती है जिनके पास भी एक गन होती है और वो जो के सिर पर उसको तान देती है। जो को ना चाहते हुए भी अपना मिशन छोड़ना पड़ता है और वो पीछे हट जाता है। अगले सीन में एक घोड़ा गाड़ी बड़ी तेजी से उस शहर की तरफ बढ़ रही थी और उसमें कोई और नहीं बल्कि मार्टिन किड था।
मार्टिन किड की घोड़ा गाड़ी को रास्ते में तेवेरियो की गैंग घेर लेती है और उनमें कुछ देर तक कोई बात होती है। उसके बाद मार्टिन किड उस शहर में पहुंच जाता है जहां पर मैक्स उसका स्वागत करता है। मार्टिन किड पूछता है कि उसकी बीवी सही सलामत है, तो मैक्स कहता है कि हाँ वो सही सलामत है और नीचे एक होटल रूम में है। मार्टिन किड अब एलाइजा से मिलने जाता है और उस पुलिस वाले को पैसे खिला देता है ताकि वो चुप रहे, और वो पुलिस वाला बाहर चला जाता है। मार्टिन अपनी पिस्टल निकालता है और एलाइजा को जान से मार देता है और वहां से निकल जाता है। वो अपनी बीवी के पास मिलने के लिए जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसका रूम नंबर 3 है और वो उसमें पहुंच जाता है। मार्टिन और मिस किड के बीच में कुछ देर तक बात होती है। मिस किड नहीं चाहती कि वो मार्टिन के साथ वापिस जाए, लेकिन मार्टिन चाहता था कि वो वापिस चले ताकि उसके पॉलिटिकल करियर पर कोई असर ना पड़े। कुछ देर बाद इन दोनों में बहस हो जाती है और मार्टिन किड को मिस किड अपनी गन के साथ मार देती है। गन शॉट की आवाज सुनकर वो जल्दी से ऊपर आता है तो वो देखता है कि मिस किड ने मार्टिन को मार दिया है। तेवेरियो गैंग का वो मेन बंदा जो से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तेवेरियो गैंग अब खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। जिसके बाद जो काफी ज्यादा भड़क जाता है, उसे गुस्सा आता है कि उसे उसकी बेइज्जती का बदला लेना है। अगले ही दिन शहर में एक बंदा आता है और वो ढिंडोरा पीट देता है कि कल सुबह ही तेवेरियो गैंग गन के साथ यहाँ पर पहुंच जाएगी और वो मैक्स को, पो को और मिस किड को मारना चाहते हैं। तो इसलिए सारे गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाए, कोई भी रास्ते में ना हो। अगले दिन सुबह होती है और तेवेरियो की गैंग उस शहर में पहुंच जाती है। पूरा का पूरा शहर खाली हो जाता है, सभी अपने घर में घुस जाते हैं। मैक्स बोलंड और जो अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि वो इस गैंग का सामना कर सके। मैक्स बोलंड बड़ी ही चतुराई से तेवेरियो गैंग के काफी बंदों को मार देते हैं। इसके बाद उनका सामना होता है तेवेरियो से और ये दोनों अब आमने सामने थे। वहां पर पो भी पहुंच जाता है और वो तेवेरियो पर गन तान देता है, लेकिन तेवेरियो बड़ी ही चलाकी से पो को घायल कर देता है। तभी वहां पर एंट्री होती है खतरनाक बंदे की, जिसका नाम है जो कैरिबियन, और वो तेवेरियो से कहता है कि जब से उसने उसे नौकरी से निकाला है तब से उसे लगता है कि वो एकदम फुद्दू बंदा है, और वो तेवेरियो के ऊपर गोली चला देता है जिसके बाद तेवेरियो मर जाता है। मैक्स भी वहां पर आ जाता है और वो जो को गन पॉइंट पर ले लेता है। इन दोनों में आपस में पहले से ही नहीं बनती थी और ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे भी थे। जो जल्दी से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स बड़ी ही चतुराई से फायर करता है जिसके बाद जो की वहीं पर मौत हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो काफी ज्यादा घायल होता है। यह कहानी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड थी, जिसके बाद जो होता है वो 30 दिनों में रिकवर हो जाता है और फिर से आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और मैक्स बोलंड दोबारा से अपने काम पर लग जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।